नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऋषि फार्मा में। मैं हूँ ऋषिकेश और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है गुड हेल्थ कैप्सूल। तो गुड हेल्थ कैप्सूल खाना सही है या गलत है, आज इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि क्या मैं भी गुड हेल्थ कैप्सूल खा सकता हूँ, या फिर आप लोग के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि गुड हेल्थ कैप्सूल का सेवन करना छोड़ देने पर क्या हम फिर पहले जैसे तो नहीं हो जाएंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड हेल्थ कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट से हमारे शरीर का वज़न बढ़ रहा है, या फिर गुड हेल्थ कैप्सूल खाने से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुड हेल्थ कैप्सूल क्या है। तो गुड हेल्थ कैप्सूल एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन डाली गई होती है। इसका काम होता है हमारे शरीर में भूख को बढ़ाना, खून की समस्या को दूर करना, वजन बढ़ाना, पाचन शक्ति को मजबूत करना, ये सारे काम करते हैं हमारे। तो गुड हेल्थ कैप्सूल का सेवन करने से पहले गुड हेल्थ कैप्सूल में एक छोटी सी पर्ची दी गई रहती है जिसमें ये लिखा होता है कि इसका सेवन कैसे करना है, इसे कैसे छोड़ना है और इसको यूज़ करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या क्या परहेज रखना है और इसका सेवन कब तक करना है। तो ये सारी चीज़ें उस पर्ची में दी गई रहती हैं, तो आप उसे ध्यान से पढ़िए और उसमें दिए गए गाइडलाइन के हिसाब से ही आप गुड हेल्थ कैप्सूल का सेवन करें और गुड हेल्थ कैप्सूल को उसी के अनुसार छोड़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या गुड हेल्थ कैप्सूल का सेवन करना बंद करने के बाद हमारा वज़न घट जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप गुड हेल्थ कैप्सूल के साथ दिए हुए पर्चे के अनुसार गुड हेल्थ कैप्सूल का सेवन करना शुरू कर रहे हैं और इसी के अनुसार गुड हेल्थ कैप्सूल का सेवन करना बंद कर रहे हैं तो आपका वज़न घटेगा नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको गुड हेल्थ कैप्सूल खाना है या नहीं खाना है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि कहीं गुड हेल्थ कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट से तो नहीं हमारे शरीर का वज़न बढ़ रहा है। तो ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी स्टेरॉयड दवा का लंबे समय तक यूज करने के बाद बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है जिससे लगता है कि हमारा शरीर मोटा हो गया है, लेकिन गुड हेल्थ कैप्सूल में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गुड हेल्थ कैप्सूल एपेटाइजर स्टिमुलेंट होता है जिसका काम होता है भूख को बढ़ाना, और जब हमें भूख ज़्यादा लगेगी तो हम भोजन भी ज़्यादा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा वज़न बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि गुड हेल्थ कैप्सूल में स्टेरॉयड मिलाया गया हो, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्टेरॉयड नहीं मिलाया गया रहता है। तो इस तरह के अफवाह में आप लोग ना फंसें। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या गुड हेल्थ कैप्सूल खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? तो जी हाँ, इसको खाने से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। किसी किसी व्यक्ति में देखा जाता है कि गुड हेल्थ कैप्सूल के सेवन के बाद उनके चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, यानी दाने आ जाते हैं, और किसी किसी व्यक्ति में देखा जाता है कि एलर्जी की समस्या हो जाती है या फिर कब्ज की समस्या होती है। तो ये सारे कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो आप गुड हेल्थ कैप्सूल का सेवन करना तुरंत बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। अब अगला क्वेश्चन है कि किन लोगों को गुड हेल्थ कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए? तो जिन लोगों को शुगर की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, या हृदय रोग की समस्या है, या फिर गर्भवती महिला है, या फिर पहले से मोटे हैं, तो उन लोगों को ये गुड हेल्थ कैप्सूल का यूज नहीं करना है। तो मैंने गुड हेल्थ कैप्सूल के बारे में सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।